सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम बुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ? अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे हिला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा। तेरे पिताजी दफ्तर चले गए, मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दो। तुम ले आओगी अकेली? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे, एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहां रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान, दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझाया हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू, गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है।
पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण। धड़ाम, जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आया। बेबी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। आप शब्द का वाक्य में प्रयोग करना जानते ही हैं? तो चलो उस इकाई के कुछ शब्दों से बने वाक्य पढ़ें और सुने। साथ में आप भी एक वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। नुक्कड़, आवाज, धमाका, परिश्रम, दूध, रावण, सुबह, सफाई। नुक्कड़ वाली दुकान पर मिठाई मिलती है। आपकी आवाज मधुर है। बम का बड़ा धमाका हुआ। परिश्रम से सब कुछ मिल सकता है। दूध मीठा होता है। रावण लंका का राजा था। सुबह होते ही सूरज निकलता है। घर में सफाई रखनी चाहिए। इस चित्र का वर्णन भी ध्यान से सुनिए। चित्र में ग्वाला है, उसके हाथ में लाठी है, पास में नदी है, नदी में नाव है, नदी में मछली है, नदी में कमल के फूल हैं, नदी के किनारे पेड़ हैं, आकाश में बादल है। अब कुछ छूट गया है तो आप जोड़िए। बाल दोस्तों, आपने चित्र का वर्णन सुना, लेकिन इसी चित्र का वर्णन फिर से सुनिए। ध्यान से सुनना। हाँ, वर्णन में क्या भेद है ये मुझे बताना पड़ेगा। चलो, तैयार? हाँ, तो सुनिए। यह एक सुंदर चित्र है। चित्र में एक ग्वाला है, उसके हाथ में लंबी लाठी है, पास में एक बड़ी नदी है, नदी में दो नाव हैं, नदी में तीन मछलियां हैं, नदी में कमल के सुंदर फूल हैं, नदी के किनारे छोटे बड़े पेड़ हैं, आकाश में काले काले बादल हैं। हाँ, ध्यान से सुनना था। हाँ, तो अब बताइए क्या नया लगा। हाँ, तुम सही हो। तो इन वाक्यों में एक सुंदर, एक लंबी, बड़ी, दो, तीन, कमल सुंदर, छोटे बड़े, काले काले जैसे शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इसे विशेषण कहा जाता है।